अब हम अपने अगले विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। इसराइल ने हमास को लेकर कसम खाई है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं करेंगे तब तक नहीं रुकेंगे, और अपनी इसी कसम को पूरा करने के लिए इसराइल बहुत जल्द बड़ा जमीनी ऑपरेशन शुरू करने वाला है। गुरुवार रात इसराइल की सेना अपने टैंकों के साथ गाजा में फिर घुसी। रात के अंधेरे में इसराइल के टैंकों ने गाजा में टारगेटेड रेड की। टैंकों ने जबरदस्त बमबारी की। 21 दिन की जंग में यह दूसरी बार है जब इसराइल ने जमीन से गाजा में घुसकर अटैक किया है। इसराइल ने गाजा में घुसकर हमास आतंकियों के ठिकानों को टारगेट किया। इसराइल के टैंक पिछले 2 दिन से लगातार गाजा में घुस रहे हैं, जिसमें हमास को भारी नुकसान हुआ है। यानी इसराइल की आर्मी रात के अंधेरे में गाजा में घुसती है, हमास के ठिकानों पर हमला करती है और सुबह होने तक वापस लौट आती है। 21 दिन की इस जंग में अब इसराइल ने 2 मोर्चों से हमास पर अटैक करना शुरू कर दिया है। पहला, इसराइल की एयरफोर्स लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है, जिसमें हमास को भारी नुकसान हुआ है। इन हवाई हमलों में हर रोज हमास के बड़े आतंकी मारे जा रहे हैं। दूसरा है जमीनी अटैक। पिछले 2 दिन से इसराइल की आर्मी गाजा में घुसकर टारगेटेड रेड कर रही है। टारगेटेड रेड से भी हमास को भारी नुकसान हुआ है। आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि यह टारगेटेड रेड क्या होता है। चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल बुधवार और गुरुवार को इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा में घुसकर जो अटैक किया उसे इजरायली आर्मी ने टारगेटेड रेड बताया है। यह कोई नियमित जमीनी ऑपरेशन की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह सिर्फ अगले चरण की तैयारी है, यानी जमीन से हमला करने से पहले की तैयारी। टारगेटेड रेड करके इसराइल की आर्मी का पहला मकसद सिर्फ गाजा की स्थिति को भांपना है, ताकि जब बड़े स्तर पर जमीनी हमला बोला जाए तो दुश्मन को बचने का मौका ना मिले। यह तय है कि इसराइल आज नहीं तो कल जमीन से बड़ा हमला जरूर करेगा, इसीलिए अभी टारगेटेड रेड कर गाजा की स्थिति का पता लगाया जा रहा है। लगातार 2 दिन टारगेटेड रेड कर इसराइल ने एक साथ कई मैसेजेस दिए हैं। पहला मैसेज, सीमा पर तैनात इजरायली जवानों का मनोबल ऊंचा रहे। दूसरा मैसेज, इजरायल जमीनी अटैक कर यह बताना चाहता है कि वो बहुत जल्द हमास पर बड़ा अटैक करने वाला है। तीसरा मैसेज यह है, बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल का हमास पर दबाव बनाना। 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास ने करीब 224 इजरायली और विदेशियों को बंधक बना रखा है। हमास आतंकियों ने कुछ बंधकों को छोड़ा जरूर है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में बंधक आतंकियों के कब्जे में है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इसराइल को इस बात के लिए तैयार किया है कि वो हमास के कब्जे से इजरायली नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को भी छुड़ाएं। अगर जमीनी ऑपरेशन शुरू होगा तो बंधकों को रिहा करवाने में ना केवल देरी होगी बल्कि इसमें कई मुश्किलें भी आ सकती हैं। इसीलिए इसराइल गाजा पट्टी में बड़ा जमीनी ऑपरेशन शुरू नहीं कर रहा। गाजा के अंदर हमास के आतंकियों ने टनल सिटी बना रखी है, जिसमें आतंकी छिपे हुए हैं। टेररिस्ट इन टनल से इजरायली आर्मी पर अटैक कर सकते हैं। ये सुरंगें 30 मीटर तक गहरी हैं और कुछ सुरंगें 70 मीटर तक गहरी हैं। हो सकता है कि जो बंधक हमास के कब्जे में है वो भी इन टनल्स में ही हो, क्योंकि हमास के आतंकियों के लिए ये टनल इस वक्त सबसे सुरक्षित ठिकाना है। इसलिए भी जमीन से हमला करने से पहले इसराइल हर स्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अब हम आपको इसराइल की एयर स्ट्राइक का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें इजरायली एयरफोर्स की भीषण बमबारी दिख रही है। पिछले 24 घंटे में इसराइल की एयर स्ट्राइक में हमास के 5 टॉप कमांडर ढेर हुए हैं। इनमें हमास का बटालियन कमांडर रिफत अब्बास मारा गया है। हमास का बटालियन डिप्टी कमांडर इब्राहिम जाबदा भी मारा गया है। इसके अलावा एक और टॉप कमांडर तारिक मारूफ भी इसराइल की एयर स्ट्राइक में मारा गया है। एयर स्ट्राइक में मरने वाले 5 कमांडरों में हमास इंटेलिजेंस का डिप्टी हेड शादी बारूद भी शामिल है। शादी बारूद इसराइल पर हमले करने वाले हमास के पॉलिटिकल विंग के लीडर याह्या सिनवार के साथ मिलकर काम करते थे। जंग के 21 दिन में हमास को भारी नुकसान हुआ है। उसके बड़े कमांडर मारे गए हैं।
हजार से ज्यादा हमास आतंकी ढेर हो चुके हैं। हमास के अड्डों को इसराइल ने तबाह कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद हमास के आतंकी इसराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं। हमास की हिमाकत का अब एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो बीती रात का है, जब हमास ने सेंट्रल इसराइल पर रॉकेट अटैक किया। इस हमले के बाद भीषण आग लग गई थी। सोचिए, इसराइल लगातार हमास पर अटैक कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद आतंकी इसराइल पर पलटवार कर रहे हैं, रॉकेट दाग रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि हमास आतंकियों को कोई और हमले का आदेश दे रहा है, और इसराइल अमेरिका की नजर में वो देश है ईरान। 7 अक्टूबर को जब हमास आतंकियों ने इसराइल पर हमला किया, उसी समय दुनिया को अंदाजा हो गया था कि हमास इतने बड़े नरसंहार की साजिश अकेले नहीं कर सकता। उसके पास ना आधुनिक हथियार है, ना इतनी सैन्य क्षमता कि इसराइल से अकेले टकरा सके। ऐसा अंदेशा था कि इसराइल से दुश्मनी रखने वाले किसी देश ने हमास की मदद की है, जो अब सच साबित हो रही है। हमास की मदद करने के आरोप ईरान पर लगे थे। ऐसे सबूत सामने आए जिससे पता चला कि ईरान ने हमास की बैक गेट से मदद की है। हमास आतंकियों को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और बाकी सामान गाजा भेजा, लेकिन अब ईरान खुलकर इस आतंकी संगठन के समर्थन में खड़ा हो गया है। यूएन में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल हानिया ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि गाजा में इसराइल जो हमले कर रहा है उसके पीछे अमेरिका है। ईरान ने यूनाइटेड नेशन के मंच से अमेरिका को खुली धमकी भी दी और कहा कि अगर गाजा में इसराइल ने हमले नहीं रोके तो इस युद्ध की आग में अब अमेरिका भी जलेगा। टुडे इन न्यूयॉर्क एंड द यूनाइटेड नेशन आई से फ्रैंकली टू द अमेरिकन स्टेट्समैन हु आर नाउ मैनेजिंग द जेनोसाइड इन पैलेस्टाइन दैट वी डू नॉट वेलकम टू एक्सपेंशन of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. It is our home, and West Asia is our region. तो इस धमकी से इशारा यही है कि अब ईरान अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। हुसैन अमीर अब्दुल हानिया की धमकी से इतना साफ है कि अब ईरान हमास की खुलकर ढाल बन गया है, और हमास की इस जंग को ईरान ने खुद की जंग मान लिया है। तो क्या अब इसराइल के खिलाफ हमास की तरफ से ईरान लड़ेगा? जिस तरह हमास पर इजरायली हमलों से ईरान भड़का हुआ है, उससे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को धमकी दी तो दूसरी तरफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी ने इसराइल को धमकाया और उकसाया, यह कहकर कि इसराइल बमबारी के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर जमीनी युद्ध के लिए इजरायली सैनिक गाजा में घुसेंगे तो उन्हें ईरान गाजा में कदम रखते ही दफना देगा। इसराइल और अमेरिका को धमकी ऐसे वक्त दी गई है जब इसराइल की सेना 2 दिन से गाजा में रेड अटैक कर रही है और गाजा में बड़ी जमीनी कार्रवाई की तैयारी में है। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसराइल हमास युद्ध को लेकर 4 बैठक कर चुका है। शुक्रवार को 9 अरब देशों ने युद्ध रोकने के मकसद से रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें इसराइल से हमास के खिलाफ युद्ध रोकने की अपील तो की गई, लेकिन हमास के कायराना हमले का जिक्र नहीं किया, जिस पर इसराइल एक बार फिर भड़क गया। इसराइल के राजदूत जिलाड अर्डन ने प्रस्ताव पेश करने वाले अरब देशों को खूब खरी कोटी सुनाई और इस प्रस्ताव को लेकर क्लास भी लगाई। When reading this resolution, Hamas seems to be missing in action. The drafters of the resolution claim to be concerned about peace, yet the depraved murderers who initiated this war are not even mentioned in the resolution, not even mentioned. They see each one of you as puppet. Our goal is to completely eradicate Hamas's capabilities, and we will use every mean at our disposal to accomplish this. Not for revenge, no. Not for retaliation, no. But to ensure that such depravity, such atrocities never occurs again.
इसराइल के राजदूत ने यूएनएससी में हमास आतंकियों की बेरहमी का सबूत भी दिखाया। दरअसल जिलाड अर्डन ने एक शॉर्ट वीडियो दिखाया जिसमें हमास का एक आतंकी एक व्यक्ति का सिर काटने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है। जिस व्यक्ति को हमास आतंकी ने निशाना बनाया था वो इजरायली या फिर यहूदी नहीं था बल्कि थाईलैंड का नागरिक था। वीडियो सबूत से इसराइल ने हमास के ईरान जैसे हमदर्द अरब देशों को आईना दिखाने की कोशिश की, जिन्हें इसराइल के गाजा में हमले तो दिखाई देते हैं लेकिन जो नरसंहार हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को किया था उस पर चुप्पी साध लेते हैं। इसीलिए यूनाइटेड नेशन के मंच से इसराइल ने फिर साफ किया कि उसका युद्ध हमास आतंकियों के खिलाफ है, जिन्हें पूरी ताकत के साथ इसराइल खत्म करके ही अब दम लेगा ताकि भविष्य में दोबारा 7 अक्टूबर जैसा नरसंहार ना। अरब देश कैसे हमास की ढाल बन रहे हैं उसका एक और सबूत हम आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर में जिन दो लोगों ने हाथ मिलाया हुआ है उनमें एक ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर अली भागेरी कानी है, जबकि दूसरे आतंकी संगठन हमास की पॉलिटिकल विंग के नेता अबू मर्ज़ोक। हमास डेलीगेशन के साथ मुलाकात की वजह युद्ध विराम की कोशिशों को आगे बढ़ाना बताया गया, लेकिन जिस तरह ईरान इसराइल और अमेरिका को खुली धमकी दे रहा है उससे यही जाहिर होता है कि ईरान का इरादा युद्ध रुकवाना नहीं बल्कि हमास को आगे कर जंग को भड़काना है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ईरान ने इसराइल के खिलाफ 3 आतंकी संगठनों को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ईरान ने हिजबुल्ला, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और हमास को एकजुट करने के लिए तीनों संगठनों के लीडर्स के साथ बेरूत में मुलाकात की थी। हमास को खुला समर्थन देकर ईरान हमास के साथ आया है तो अमेरिका इसराइल को मजबूत कर रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने 900 सैनिक भी डिप्लॉय किए हुए हैं, यानी इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है तो आतंकी संगठन हमास को ईरान ने समर्थन देकर जंग का नया मोर्चा खोल दिया है। Z News.